Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, और यहाँ हम सीखेंगे orbital diagram को किस तरह से बनाया जाता है. First of all हमने समझना है lithium. तो lithium में atomic number हमको ध्यान रखना है 3 होता है और आप इसकी help से ये electronic configuration बनाएंगे. यानी आपको अबाव प्रिंसिपल जो प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था उसकी हेल्प से आपको सीखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो प्रीवियस लेक्चर को अच्छे से आप देखेंगे उसके बाद आप हंड्स रूल में आएंगे. ठीक है, तो हमने इस तरह से अबाव प्रिंसिपल को सीखा था और उसकी हेल्प से हमने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीख लिया था. यानी हम पहले 1s2, फिर हम आते हैं 2s2, फिर हम आते हैं 2p, है ना, इस तरह से फिर हम आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं. फिर हम आएंगे यहाँ पर, उसके बाद हम आएंगे इस तरह से यहाँ पर, फिर हम इसको यहाँ तक. तो इस तरह से आपने ये अबाव प्रिंसिपल बना लिया था. लेकिन हमें यहाँ से सीखना है इन एलिमेंट्स के लिए, तो 1s2 है ना, और उसके बाद आता है 2s1 3. तो ये जो ऑर्बिटल डायग्राम है इसमें हम फिल करेंगे इलेक्ट्रॉन को. जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह से कुछ फिल करते हैं, एक की डायरेक्शन ऊपर को और एक की डायरेक्शन नीचे को, है ना. यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको ऑफ ऐसे एक ऑर्बिटल में रख देंगे. इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर यह 1s2 का 1s2 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हमने इस तरह से फिल कर दिए. ठीक है, अब हम बात करते हैं बोरॉन की. तो बोरॉन में क्या आता है, 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में, यानी 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैंने यहाँ पे फिल किया. ठीक है, ऐसे 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इसको ऐसे अपोजिट स्पिन में फिल कर दिया है. अब 2p1, p में 3 होते हैं, एक होता है px, एक होता है py एंड pz. तो px में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे फिल कर दिया, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, अभी 1 इलेक्ट्रॉन है तो. ठीक है, बात करते हैं कार्बन में. तो कार्बन में स्टूडेंट क्या होता है, यहाँ पर ये वाला s ऑर्बिटल है, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस तरह से मैंने अपोजिट स्पिन में यहाँ पे फिल कर दिया. 2p इसमें 3 होते हैं, px py pz, और यहाँ पर हम 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर. अब यहीं से आप इसको अगर चेंज करते हैं ऐसे भरेंगे, या फिर आप इसको ऐसे करेंगे, या फिर आप इन इलेक्ट्रॉन को दोनों को एक साथ रखेंगे, तो एक ये कन्फ्यूज़न आ जाता है, एक ये प्रॉब्लम आती है. और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है हंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, तो इसको हमने समझना है, इसको ही हमने सीखना है कि इलेक्ट्रॉन को हम एक एक ऐसे रखें या फिर हम दोनों पेयर को एक साथ रख दें. ठीक है, इसको नोट कीजिए. फिर हम इसको फोकस करते हैं कार्बन को, कि यहाँ से कैसे ओरिजिन होता है हंड्स रूल का. नाउ स्टूडेंट, आपको सीखना है कार्बन में कि जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं वो 3 मेथड्स हैं. अब उनमें से करेक्ट मेथड्स कौन सी है जिससे बनता है हंड्स रूल. तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 1s2 2s2 2p 2 होता है, यानी 2 2 4 6 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो हमने यहाँ पे ये 1s बनाया है, दिस इज़ द 1s 1s2, इसमें 2 आएंगे एंड यहाँ पर 2s2 है ना, यहाँ पर क्या आएगा 2s2 एंड यहाँ पर p जो होते हैं, जैसे 2p2 है तो 2p2 एक होता है px py एंड pz. ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे इस तरह से, 1 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये. ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऐसे मल्टीप्लिसिटी. ठीक है, अब इसमें देखेंगे px में, यानी 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक को हमने ऐसे फिल किया और एक हमने ऐसे फिल कर दिया. एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है, पॉसिबिलिटी नंबर 1. नेक्स्ट देखेंगे सेम, इसमें भी हमने ऐसे फिल किए और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन को हमने अपोजिट स्पिन में फिल कर दिया ऐसे. इसकी डायरेक्शन ऊपर को है और इसके जस्ट, तो इलेक्ट्रॉन्स टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन अपोजिट स्पिन. अब बात करते हैं हम, हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे ही फिल किया, यहाँ पर भी सेम. यहाँ पे हमने क्या करना है स्टूडेंट, इसमें हमने इन दोनों इलेक्ट्रॉन को एक ही ऑर्बिटल में फिल कर दिया. तो समझना बात को, यहीं से बनता है हंड्स रूल. ये इलेक्ट्रॉन जो है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन टू डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन द पैरेलल स्पिन,
यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन्स टू डिफरेंट ऑर्बिटल, बट क्या है ये अपोजिट स्पिन में है, यहाँ पर पैरेलल स्पिन में, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या है वन ऑर्बिटल में ही हैं, एक ही ऑर्बिटल है और उनकी स्पिन क्या है अपोजिट है। अब हमने क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले जो है अगर दो इलेक्ट्रॉन हैं तो वो कैसे होने चाहिए, पैरेलल स्पिन में होने चाहिए। अगर इन दोनों की डायरेक्शन ऊपर को तो ऊपर ही रहेगी, नीचे को भी हो सकती है, तो दोनों की डायरेक्शन नीचे ही होनी चाहिए, ठीक है। और ये पेयरिंग नहीं करेंगे, जैसे दोनों को हम एक में नहीं रखेंगे, हम अलग अलग ऑर्बिटल में रखेंगे। जब ये तीन ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं उसके बाद हम अपोजिट स्पिन में इसको पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ से ओरिजिन हुआ हंस रूल का, यानी यहाँ पे जो अगर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करते हैं तो फर्स्ट वन क्या है, ये है करेक्ट, और ये यहाँ पर ये भी रॉन्ग है, और यहाँ पर ये वाला भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। यानी ये दोनों ऑर्बिटल डायग्राम ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। तो एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही मिलता है, समझना है इस बात को। यहाँ पे हमने फोकस करना है हंस रूल को, तो ये बोलता है इलेक्ट्रॉन्स इन द टू डिफरेंट ऑर्बिटल इन पैरेलल स्पिन। तो पहले क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और स्पिन क्या होनी चाहिए उनकी, पैरेलल होनी चाहिए, एंड देन क्या होती है, पेयरिंग होती है, और यहीं से बना हंस रूल बनता है, ठीक है। तो कार्बन में देख लिया, अब हम नाइट्रोजन में देखेंगे, यहाँ तक नोट कीजिए, और हम ये भी समझेंगे कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, नाइट्रोजन में हमने देखना है कि किस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो यहाँ पे ये 1s है ना, ये 1s2 है, तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने रख दिए, ठीक है। यहाँ पर हमने 2s2 बोला, 2s2 में हमने 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रखे, और यहाँ पे ये px py एंड pz 1 1 इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमने पैरेलल स्पिन में रखा है, ठीक है। ऐसे सेम इसमें हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए, इसमें भी हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए, और यहाँ पर px में एक की डायरेक्शन ऊपर को एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसमें भी हमने सेम थर्ड कंडीशन में ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल किए। यहाँ पे हमने दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ पेयर में पॉजिटिव स्पिन में रख दिया और एक को ऐसे। अब स्टूडेंट आपको यहाँ पे इस टर्म का मीनिंग समझना है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, व्हाट द मीन्ट बाय दिस टर्म। तो यहाँ पे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मीनिंग होता है टोटल नंबर, यानी टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस डायग्राम में, जिस ऑर्बिटल डायग्राम में मैक्सिमम होता है वो फॉलो करता है, वो करेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब यहाँ पे स्पिन निकालेंगे तो देखो ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, अगर ऊपर को डायरेक्शन होती है तो क्या होता है प्लस हाफ, यहाँ पर भी क्या है प्लस हाफ, और यहाँ पर भी क्या है प्लस हाफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे टोटल निकालेंगे प्लस हाफ, तो आपको मिल जाएगा 1.5। टोटल कितना आएगा स्टूडेंट, 1.5 आपको यहाँ पर मिल जाता है टोटल स्पिन। दूसरे वाले में अगर निकालेंगे तो इसके लिए देखो प्लस हाफ हो जाती है, यहाँ पर नीचे को डायरेक्शन होती है तो ये माइनस हाफ होती है, ऊपर डायरेक्शन होती है तो प्लस हाफ होता है। तो टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड, हम पेयर की नहीं निकालते हैं, स्पिन किसकी निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पर प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, यानी यहाँ पर आपको इससे ये कैंसिल आउट, यानी क्या मिलेगा आपको हाफ मिलेगी वैल्यू। यहाँ पे तो देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन हम नहीं निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक ही है, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्पिन हो जाएगी हाफ हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछेंगे मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हैं, तो फर्स्ट वाले में मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू जो आती है वो 1.5 आपको यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर देखो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 हैं, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो यानी ये वाला भी क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, और ये पहला वाला फॉलो करता है अकॉर्डिंग टू हंस रूल। तो हंस रूल के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, करेक्ट होता है। तो हंस रूल का दूसरा पॉइंट ये बोलता है स्पिन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, अनपेयर्ड होनी चाहिए, उसके बाद पेयरिंग होती है, या फिर आप बोलते हैं कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं इनको टोटल वैल्यू जो आती है वो मैक्सिमम आनी चाहिए। यहाँ पर मैक्सिमम नहीं आ रही है और यहाँ पर भी मैक्सिमम नहीं आ रही है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। नाउ स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द स्टेट्स ऑफ दिस रूल दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल, ठीक है, इन सच अ वे
एज टू गिव मैक्सिमम नंबर, एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। ठीक है, पहले क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में फिल होंगे, एंड देन इस बात को भी लिख लेंगे आप, एंड देन पेयरिंग, और उसके बाद क्या होगा, पेयरिंग होगा, उससे पहले पेयरिंग आप नहीं करते हैं। देखते हैं वन मोर एग्जांपल, ऑक्सीजन के केस में आप देखेंगे तो 8 होता है, यानी यहाँ पर होते हैं 1s2, 2s2, 2p4, यानी यहाँ पर हम बात करते हैं, आप स्टूडेंट इसको ऐसे भी लिख देते हैं कई बार, जैसे 1s2 की जगह आप हीलियम लिख देंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और ये आपको बुक में ऐसे 2s2 2p4 लिखा हुआ दिखाई देता है, तो आप इन लास्ट वाले का क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। यानी इसमें आपने क्या बनाना है, 2s2, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से आपने फिल किया, 2p4 तो 2p4 में आप क्या करेंगे, p में 3 ऑर्बिटल, px py bz, इस तरह से आपने यहाँ पर px py bz ये बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहले हमने मैक्सिमम नंबर 1, 2, 3 ये मैक्सिमम नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, और इनकी स्पिन क्या है, पैरेलल स्पिन में सब, एंड देन क्या होगी, उसके बाद पेयरिंग होगी, तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है क्योंकि यहाँ पे p4 है, तो हम अब इसकी ऐसे पेयरिंग करेंगे। क्लियर होगी बात, और भी एग्जाम्पल आप देख लेते हैं। तो अगर हम ऑक्सीजन के बाद दूसरा आइटम लेते हैं फ्लोरिन, तो फ्लोरिन का स्टूडेंट कितना होता है, 9 होता है ना, उसमें भी हम ऐसे लिख देंगे हीलियम पहले का, है ना, 1s2 के लिए हीलियम लिख देते हैं क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, यहाँ पे हमने लिख दिया 2s2, है ना, आप डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं 2s2, 3s2, तो उस तरह से आगे आप बढ़ते जाते हैं। हीलियम लिखने के बाद आप 2s2 लिख देंगे यहाँ पर भी, और यहाँ पर आप लिख देंगे 2p4, तो अब आएगा यहाँ पर 5, क्योंकि यहाँ पर 2 ये हो गए, 2, 4, 5, 9 हो गए, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम आप बनाएंगे तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, 1s2 दो इलेक्ट्रॉन, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, यानी P में आप इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। तो पहले 1, 1 और 1 एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, एंड देन क्या होती है, पेयरिंग होगी, तो अभी 3 फिर ऐसे पेयरिंग करेगा, फिर ऐसे, ठीक है। इसी तरह से और भी एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, आप नियोन का ले लेंगे, तो नियोन में कितना होता है, 10 होता है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हीलियम लिख देंगे, और यहाँ पे हम 2s2 2p5 लिख देंगे स्टूडेंट, ठीक है, बिल्कुल सेम हमने ऐसे ही बनाना है, यहाँ पे 2p5 नहीं 6 आएगा, अब 10 हो जाएगा ना, यहाँ पे 2, 2, 4 और 6, 10, तो यहाँ पे हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, यानी ये वाले 2s2 वाले, अब 2p6 वाले देखो कैसे इस तरह से हम फिल कर देंगे। तो आपको रूल इस तरह से ध्यान रखना है, पहले आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन में फिल किया, उसके बाद हमने इसको अपोजिट स्पिन में, नीचे को डायरेक्शन होनी चाहिए, एक साथ नहीं रखेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन को, आप ऐसे फिल नहीं करेंगे ऑर्बिट में, ये क्या है, गलत होता है, ठीक है। आपने क्या करना है, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, इस तरह से ये स्पिन फिल होती हैं, और इनकी स्पिन ऐसे अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और ऑर्बिटल डायग्राम भी आप यहाँ पर सीख जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए।